सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। UPSC द्वारा आयोजित NDA, CDS, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन एयर फोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित ना हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी ख़राब हो जाना कभी कुछ किसी रीज़न से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा हमें मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो।